हेलो एव वन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं मैं हर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे इसी चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे मैं सीख रही हैं और आपके साथ शेयर करें सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बे आइकन सो so, आज की वीडियो है कि जब से हृदयशी हुई है तब से लेके अब तक मैंने उसे कौन से कौन से खिलौने दिए हैं खेलने के लिए ये सिर्फ एक वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें आप सिर्फ ये देखोगे कि हृदानशी ने कौन से खिलौने यूज़ करे हैं इन टॉयज़ की मदद से हृदाशी की जो तो स्किल डेवलप हुए हैं मैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करूँगी अभी जो मैं बात करूँगी वो जीरो टू तो सिक्स मंथ्स के ऊपर बात करूँगी हरदानशी ने इस टाइम पर कौन से खिलौने यूज़ करे हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स के लिए और फिर उसके आगे अब हृदानशी सेवेंटीन मंथ्स की है तो हम उसे कैसे एंगेज करते हैं पूरे दिन जिसके उसके अलग अलग तरीके के स्किल्स डेवलप हो रहे हैं तो मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है या आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मैं इस वीडियो में बेबी क्रिब या पालने कैरिकॉट इनके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये तो बेबी की एसेंशियल्स हैं जो कि चाहिए ही होते हैं सब अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से ले सकते हैं मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपने बेबी क्या रिकॉर्ड कहाँ से लिया आपने क्रिब लिया कि नहीं लिया बस मैं छोटा सा बता दूँ कि मैंने बेबी क्रिब नहीं लिया था हमने सिर्फ पालना लिया था और सिर्फ बग्घी ली थी और इस बारे में मैं थोड़ी आपसे बाद में बात अभी हम शुरू करते हैं बेबी के खिलौनों के बारे में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यानी जब वो हुआ हुआ है तब से लेके कर सिक्स मंथ्स तक तो सबसे पहला महीना यानी जब आपका बेबी हुआ है तब आपके बेबी का विज़न इतना क्लियर नहीं होता तब वो एक नए वर्ल्ड में आया होता है तब तो मेरे ख्याल से वो एक नए एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर रहा होता है तो बच्चे को तब खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती ये हम लोगों का थोड़ा लाड प्यार या एक एक्साइटमेंट होती है कि हम उसके कैरी कॉट में या उसके क्रिब में खिलौने वगैरह लगा देते हैं जो थोड़े से रैटल्स टाइप के होते हैं आवाज़ें होती हैं बट मेरा पर्सनली मानना यह है कि शायद हमें नहीं लगाना चाहिए बिकॉज़ बच्चे को अभी बहुत सारी चीज़ों की आदत डल रही होती है तो हम उसे एक एक्सटर्नल चीज़ की आदत क्यों डालें जो कि थोड़े टाइम बाद भी डल सकती है मैंने भी ये चीज़ की थी मैंने हिरदांची के पालने के ऊपर खिलौने लगा देते बट दो या तीन दिन बाद मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि बच्चा सो रहा है और वो पालना हिलता है तो उसमें आवाज़ आती है तो वो हिरदांची उठ जाती थी तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक से डेढ़ महीने तक के बच्चे के लिए आपको कोई खिलौने लेने की ज़रूरत नहीं है वो वैसे भी एक नए एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो रहा है अगर आप फिर भी लेना चाहो तो आप सॉफ़्ट रैटल्स ले सकते हो थोड़े सॉफ्ट टॉयज रख सकते हो क्रिब में या कैरी कॉट में बच्चे के जो भी आपके पास है और अगर आपको फिर भी लेना है तो आप थोड़े बहुत रैटल्स रख सकते हो जो पालने के ऊपर लटकने वाले खिलौने होते हैं वो ले सकते हो सेकेंड मंथ से हमने हिरदानशी को प्ले जिम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और ये मेरी अब तक की बेस्ट परचेज़ है ये एक ऐसा खिलौना है जो हिरदांशी एक साल तक यूज़ करा है उसने और साथ ही में वो अभी भी कभी कभी इसके साथ खेलती है ये मुझे अराउंड अराउंड थाउजेंड रुपीज़ का पड़ा था मैंने अमेजोन से लिया था अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये वर्थ परचेज रही है मेरी अब तक की ये इसमें म्यूज़िक भी है इसके अंदर पांच सात अलग अलग तरीके की साउंड है इसकी जो शीट आप देख सकते हो वीडियो में ये प्रॉपर वाटरप्रूफ है तो जब मुझे हिरधांची को डाइपर फ्री टाइम देना होता था तो मैं इसे असेंबल करती थी और हिरधानची को इसमें लिटा देती थी और आधा पौना घंटा कहाँ जा रहा है सच में पता ही नहीं चलता था आप जो इसके ऊपर ये रेनबो सा बना हुआ देख रहे हैं आप इसे साइड्स चेंज कर सकते हो और साथ ही में जब आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है जब वो लात मारेगा इसके पियानो की तरफ तो वहाँ से आवाज़ें बजेंगी तो बच्चे को लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है आवाज़ बहुत सूदिंग है बहुत ही ज़्यादा प्यारी इसमें से राइन्स टाइप की मेलेडीज़ टाइप की निकलती हैं और इसमें तीन सेल लगते हैं ये बेस्ट परचेज रही है मेरी अब तक की अगर आपको पूरी वीडियो में से कुछ ऐसा देखना है कि ये बेस्ट है इसको ले लो तो बस आपका बच्चा इंगेज रहेगा तो आप ये प्लेजम ले सकते हो अगर आपको प्लेज खरीदना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका जो पहला बेनिफिट है जब बच्चा उस अपन किसी सरफेस के ऊपर टच करता है बच्चे अक्सर लात हिलाते हैं अपने हाथ हिलाना सीखते हैं अपनी बॉडी पे धीरे धीरे कंट्रोल लेते हैं तो जैसे वो किसी सरफेस पे टच करता है तो हिदांशी को ये समझ आता था कि मेरे यहाँ पर टच करते ही आवाज़ आ रही है तो वो बार बार टच करती थी इससे उसके मेंटल और मो मोटर स्किल्स दोनों ही इन्हेंस हो रहे थे तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इस प्लेजम की नहीं तो मैंने और भी प्लेजम देखे थे जो कि सिर्फ़ थर्माकोल वग़ैरह के थे जिनमें सिर्फ चीज़ें ऊपर से लटकी हुई थी जो टॉयज़ होते हैं वो लटके हुए थे उनमें कोई आवाज़ नहीं थी बट मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा इसीलिए मैंने इस पर थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट करे और ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हिरांची को मैंने जब जब इसके ऊपर खिलाया है तब तक उसने एक से डेढ़ घंटा तक आराम से खेला है तो अगले टॉय की तरफ बढ़ते हैं अगला टॉय है ये स्टार इसके अंदर राइन्स आती हैं और साथ ही में एक प्रोजेक्टर है छोटा सा जिसमें अलग अलग तरीके के बेयर देखते हैं मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग में तो हृदयांशी के पालने के ऊपर से सब कुछ हटा दिया था बट सेकेंड या थर्ड मंथ्स के बाद मैंने उसके पालने पे प्रोजेक्टर लगाना शुरू कर दिया था इसकी मेरे से नॉब तो टूट गई थी बट इसमें एक नॉब भी आती है जिसमें आप इसे कहीं पे भी अटैच कर सकते हो तो इसके अंदर पांच से सात मेलेडीज़ हैं साथ में प्रोजेक्टर है तो जैसे ही रात होती थी और हिदांची भी बच्चा बार बार जगता है तो जब ये बार बार जागती थी तो हम उसे प्रोजेक्टर ऑन करके उसमें मेलेडीज लगा देते थे और वो उसे देखते देखते पालना झूलते झूलते सो जाती थी और ये मुझे कुछ पड़ा था सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का इस वीडियो में मैं जितने भी टॉयज़ के बारे में बात कर रही हूँ उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एमेज़ॉन पे टाइम टू टाइम डिस्काउंट चलते रहते हैं तो जो रेट मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है वो आपको ना मिले उससे कम या ज़्यादा मिले तो आप एक बार ही लिंक से ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब हिदान जी थोड़े थोड़ा सा बैठने लग गई थी यानी फोर फोर एंड हाफ मंथ्स की हो चुकी थी तब तो मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि हिदांशी को म्यूजिकल टॉयज और साथ में जिनमें थोड़ी बहुत लाइट आए वो पसंद आएंगे तो ये मेरा खुद का डिसीजन था वैसे उस पर सिक्स प्लस मंथ्स लिखा हुआ है कि आप बच्चे को दो सो so, मैंने हृदानशी के लिए एक म्यूजिकल ड्रम खरीदा सो so, मैंने हृदयशी के लिए एक म्यूजिकल ड्रम खरीदा ये मुझे पड़ा कुछ सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का तो आप ये देख सकते हो कि मैंने इसे ड्रम दिया है इसकी स्टिक्स नहीं दी क्योंकि मुझे था कि इसकी स्टिक्स बहुत बड़ी हैं हृदय कहीं अपने आँख नाक में नाल मार ले हृदयशी इस ड्रम से आज भी खेलती है और उसका ये फेवरेट ड्रम है इसमें भी काफ़ी साउंड्स काफ़ी आवाज़ें वन टू फाइव तक काउंटिंग और कलर्स इन सब की साउंड्स हैं और साथ ही में इसमें तीन मोड्स हैं आप देख सकते हो लाइट का अलग मोड है साउंड का अलग मोड है इसमें भी तीन सेल लगते हैं और इस ड्रम की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि अब ड्रम है तो इसमें आप हिट करोगे बच्चा मारेगा रेदांशी के हाथ में कुछ भी होता है वो इसके ऊपर दे मारती है पर ये ड्रम अब तक टूटा नहीं है मैंने इसे फोर्थ मंथ में लिया था रेदांशी के और रेदांशी से अब तक खेल रही है अगला प्रोडक्ट है रैटल्स आप बहुत सारे रैटल्स आते हैं मार्केट में आप अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो उसमें प्लास्टिक यूज़ हो रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो क्योंकि बच्चे हर चीज़ मुँह में लेते हैं इस एज में आके तो मैंने जो रैटल्स लिए थे वो बीपीए फ्री थे इस चीज़ का श्योर किया था और साथ ही में उनमें किसी तरीके का ऐसा कलर नहीं था जो कि छूटता हो अगर आपको चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हो अगला जो मैंने टॉय लिया था हिरदानशी के लिए वो थी एक ट्रेन मेरे को वो ट्रेन इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो ट्रेन मैनुअल थी उसमें कोई सेल की ज़रूरत नहीं थी वो पहले के खिलौने नहीं आते थे आप उसे पीछे खींचते थे और वो आगे भागते थे वो वैसी ट्रेन थी और मैंने इतने दिन बाद जब से मैं हिरदांची के लिए खिलौनों की शॉपिंग कर रही थी मैंने कोई ऐसा खिलौना देखा था जो कि बिना सेल के चल रहा है तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था ये मुझे कुछ साढ़े तीन सौ के आसपास की ट्रेन पड़ी थी और हिदान जी को ये भी काफ़ी पसंद है वो इन सब खिलौनों से अभी भी खेलती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है आप चाहो तो आप इसे ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो बट ऑनलाइन सारी चीज़ें आई गेस सेल वाली होती हैं बिना सेल के मुझे अब तक अमेजोन पे तो आई गेस कुछ मिला नहीं अगली जो चीज़ ली थी वो मैंने ली थी प्लेइंग मैट एक चटाई है नॉर्मल जिसके ऊपर ए बी सी डी और वन टू टेन तक काउंटिंग लिखी हुई है बट वो इतनी कलरफुल है और इतनी अट्रैक्टिव है कि दाँची को जब से हमने ज़मीन में बिठाना शुरू किया तो वो उसी चटाई के ऊपर बैठना प्रेफर करती थी तो वो चटाई मेरी काम आ रही है और काफ़ी अच्छे से आ रही है वो वाटरप्रूफ है तो आप बच्चे को कुछ भी खाने को दे सकते हो उसके ऊपर अगर आप बच्चे को डाइपर फ्री टाइम देना चाहो तो आप वो टाइम भी बच्चे को उसी के ऊपर दे सकते हो अगला जो इसका प्रोडक्ट है वो कोई इसका खिलौना नहीं है बट हिरदांची ने खिलौने की तरह यूज़ किया है वो है इसकी बाथ चेयर हिरदांची को इसके ऊपर स्लाइड करने में बहुत मज़ा आता है और वो बहुत अब तक भी स्लाइड करती है ऑल हमने उसका अब नहाने के लिए बातचेय यूज़ करनी बंद कर दिया है क्योंकि वो उस चेयर के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो गई है तो अब वो उससे खेलने के लिए यूज़ करती है तो वो बस उस पर स्लाइड करती है उस पर लेटी रहती है उस पर आराम करती है सो so ये थे मेरे कुछ ऐसी रिसर्च करे हुए खिलौने जिससे हिदांची को हेल्प मिली है अपना आई और हैंड कोऑर्डिनेशन में Uh, अपने मोटर स्किल्स में और साथ ही में बहुत टाइम तक एंगेज रहने में मदरहुड का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है कि आप अपने बच्चे को एंगेज कैसे करो तो ये मैंने कुछ आपके साथ टॉयज़ शेयर करें हैं जिससे आप अपने बच्चे को थोड़े टाइम के लिए अगले एंगेज कर सकते हो अगर आपको इसका पार्ट टू देखना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा